यू ऑल, आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग पढ़ने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स ऑफ अ सिलेंडर। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था? स्फीयर के बारे में, ठीक है ना। स्फीयर के बारे में क्या पढ़ा था कि ये स्फीयर है और इसका 2D जो शेप होता है वो एक सर्कल होता है और इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 4πr², वॉल्यूम क्या होता है? 4/3πr³। तो हम लोग सर्कल के बारे में पढ़ चुके थे और आज पढ़ने वाले हैं सिलेंडर के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या है कि दो डायग्राम बनाया हुआ है, दो रेक्टेंगल्स बनाए हैं ABCD, और अगर मैं इसका भी नाम रख दूँ यही सेम चीज ए यहाँ लिख दे रहा हूँ, बी यहाँ, ABC और D। तो मैंने दो ओरिएंटेशन बना रखे हुए हैं, तो इनका क्या मतलब है आपको समझना है। तो अगर ये पीस ऑफ पेपर है ABCD, तो आपको भी अज्यूम करना है यहाँ पर मैं एक पीस ऑफ पेपर रख रहा हूँ ABCD ऐसे। इस पीस ऑफ पेपर से, ये एक प्लेन है, इस प्लेन से ये वाली शेप लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? आप मान लीजिए AD एज को मैं फिक्स कर दे रहा हूँ, क्या है, AD को मैं फिक्स कर दे रहा हूँ, और अगर मैं AD को फिक्स कर दिया तो मैं क्या कर रहा हूँ, BC वाली एज को पकड़ रहा हूँ और यहाँ पर लाके इसको मिला दूँ। एक बार फिर से समझिए, BC एज को पकड़िए और यहाँ पर ले आके इसको फोल्ड करके मिला दीजिए। तो अगर आप ऐसे मिलाएंगे, AD फिक्स है और इसको लाके यहाँ पर मिला देंगे, तो आपको कुछ इस तरीके से एक शेप मिलने वाला है जो कि बिल्कुल इसी के जैसा दिख रहा है। तो आपको ये वाली शेप मिली, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, इस पीस ऑफ पेपर से ये वाली चीज़ बना दी। तो आप मुझे ये बताइए, आपको इसमें क्या क्या दिखाई पड़ रहा है? जो हमारा विड्थ था वो तो यही है, जो पीस ऑफ पेपर अगर आप इसको ओपन करिए तो जो विड्थ था वो तो यही है, लेकिन जो लेंथ थी वो किस में कन्वर्ट हो गया? सर्कल में। ज़रा देखिएगा, लेंथ किस में कन्वर्ट हो गया है? सर्कल में कन्वर्ट हो गया है, सही है कि नहीं। लेंथ देखिए आप किस में कन्वर्ट हो गया, सर्कल में। एक सर्कल यहाँ है और एक सर्कल यहाँ है, दोनों एज हैं इस सिलेंडर के, दोनों एज पे ही बन रहा है, आप ऐसा समझिए, ठीक है ना। तो इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो हमारा ये लेंथ था वो किस में बदल गया है? सर्कल में। अब आते हैं दूसरे ओरिएंटेशन की तरफ। अभी भी ये पीस ऑफ पेपर ऐसे ही है ABCD, बट अब हम इसको ऐसे नहीं मोड़ेंगे, अब हम इसको ऐसे नहीं मोड़ रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, AB एज को फिक्स रखूँगा, इसको फिक्स, CD को उठा के इस तरीके से, मतलब इसको ऐसे फिक्स रखूँगा, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, रोल करूँगा। और इसको मैं अगर रोल करूँ तो आप मुझे ये बताइए, मुझे इस तरीके का सिलेंडर मिल जाएगा। ऐसा क्वेश्चन भी अभी आपको देखने को मिलेगा एक्सरसाइज में कि सिलेंडर को इसके इस तरीके से करने के बजाय ये वाला मिल गया। तो पेपर वही था, पीस ऑफ पेपर वही है, लेकिन एक सिलेंडर इस तरीके से बनेगा और एक सिलेंडर इस तरीके से बनेगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या आया? दोनों में डिफरेंस ये आया है, इसमें हमने क्या किया है, इस एज को हमने क्या किया, मान लीजिए एक्स, इसको फिक्स रखा और इसको फोल्ड कर दिया है, ठीक है ना। इसमें क्या हो रहा है, लेंथ जो है हमारा, लेंथ किस में बदल रहा है? सर्कल में। ये जो लेंथ है ये वाला किस में बदल रहा है? सर्कुलर पार्ट। ये जो आप देख रहे हैं ये किस में बदल रहा है? सर्कल में। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो विड्थ है हमारा, ये क्या हो रहा है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? ये सर्कल में कन्वर्ट हो जा रहा है ये। तो देखिए बड़ा सिलेंडर बन गया, और अगर मैं इसमें ऐसे बना दूँ तो ये भी एक सिलेंडर में ही फॉर्म हो गया, लेकिन ये बड़े बड़े सिलेंडर्स बन गया, ठीक है ना, कोई बात नहीं। बट आपको समझना था कि इसी पीस ऑफ पेपर का ये वाला पार्ट सर्कल में बदल रहा तो ऐसा बन गया, और ये बन गया तो ऐसा। मतलब सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट अगर आपको देखना हो तो किस तरीके से देखेंगे, ये है हमारे पास एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। क्या है इसके पास, इसकी कुछ हाइट है, इसकी कुछ हाइट है, और दो सर्कल आप देखिए, एक सर्कल यहाँ पे है और दूसरा सर्कल क्या है, इस डायरेक्शन में, एक सर्कल यहाँ पे है और दूसरा सर्कल, ये तुम्हारा एज है, ठीक है ना। तो ये कैसा, बिल्कुल ऐसा इसके शेप के जैसा दिख रहा है। ऐसा वाला भी आपने देखा होगा,
ऐसा वाला शेप आप कहाँ देख सकते हैं आप मुझे बताइए। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप रोड की तरफ सड़कों की तरफ आप देखेंगे तो जो गटर लाइन होता है नालियाँ बनाने के लिए, वहाँ पे ऐसे ऐसे पाइप्स डाले जाते हैं, ठीक है ना। या अपने घरों में अगर जो पाइप होती है जो टैप की पानी ले जाने के लिए कैरी करने के लिए, वहाँ पे ऐसे शेप्स को लगाया जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो दो ओरिएंटेशन है, आप हमने दोनों ओरिएंटेशन समझ लिया, लेकिन हम किसी एक डायग्राम का ही एनालिसिस करेंगे और इसका सरफेस एरिया क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा, वॉल्यूम क्या आएगा, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते हैं। चलिए, तो एक सिलेंडर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है ना। मान लीजिए ये उसका टॉप है और ये हो गया आपका, तो इस तरीके से ये आपका एक सिलेंडर बन गया है, ठीक है ना। तो इस सिलेंडर की क्या है अपनी, ये पर्सनल खुद एक हाइट है इसकी, ये हमने इसकी हाइट अज्यूम कर ली, ठीक है ना। सेंटर से सेंटर तक आपको मिलाना है, तो ये इसकी क्या हो गई, हाइट हो गया। इसको दे देते हैं नाम H, और अगर ये दोनों सर्कल हैं तो इनका पक्का क्या होगा, एक रेडियस होगा, तो इसका नाम रख दिया R। तो अभी जो मैंने सिलेंडर बनाया था पेपर से, आपने उसमें क्या देखा था, अगर जब ऐसे फोल्ड किया था तो उसमें आपने क्या देखा था कि ये वाले और ये वाला साइड जो है हमारा, ये दोनों साइड आपको हॉलो दिख रहा होगा, एकदम आर पार खाली दिख रहा है ना, ये चीज, ये आप यहाँ ढक्कन नहीं लगाया, आप ऐसे सोचिए कैप नहीं है। तो अगर आप इसके ऊपर कोई कैप फिट करेंगे एग्जैक्टली, तो आप क्या फिट करने वाले हैं, एक सर्कल ही तो फिट करेंगे। अगर इसको आपको क्लोज करना होगा, अगर इसको पूरी तरह बंद करना होगा, तो इस सर्कल के बराबर का ही तो एरिया का ढक्कन आप लेके आएंगे। इसका मतलब सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आपके पास ऐसे कितने सर्कल हैं, एक यहाँ पर है और दूसरा यहाँ पर है, तो टोटल कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर प्लस। अब थोड़ा सा ये वाले एरिया के बारे में समझते हैं, ये जो हमारा कर्व वाला एरिया था इसके बारे में आप समझिए, कि जो ये कर्व वाला एरिया था इसके बारे में आपको ऐसे समझना पड़ेगा, कैसे। जब यह एक पीस ऑफ पेपर था तो इसकी लेंथ ये थी और विड्थ ये थी, हमने लेंथ और विड्थ लिखा था ना, लेंथ ये थी विड्थ ये थी। लेकिन जो विड्थ था, थोड़ा मैं बड़ा ही बना देता हूँ ताकि इसी के शेप का आपको समझ में आए, जो विड्थ है वो तो हाइट के बराबर है, विड्थ जो बना है, ये विड्थ जो बना हुआ है वो किसके बराबर आपको दिख रहा है, हाइट के बराबर। और ये लेंथ किस में बदल गया था, ये लेंथ किस में बदला था, एक सर्कल में बदल गया था, जो लेंथ था ये किस में बदल गया, सर्कल में। तो सर्कल का जो ये वाला पार्ट होता है ये कितना होता है, 2πr। टोटल पेरीमीटर क्या होता है, 2πr। और इस रेक्टेंगल, जो ये रेक्टेंगल बना, इसी को आपने फोल्ड तो किया था, तो ये जो कर्व वाला एरिया है वो यही रेक्टेंगल का एरिया होगा। इस रेक्टेंगल को ही आपने फोल्ड किया है, तो जितना एरिया इस रेक्टेंगल का होगा वही रेक्टेंगल का एरिया फोल्ड करने पर भी आएगा। तो रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। तो अब लेंथ किस में बदल गई, सर्कल में, तो उस समय लेंथ कितनी है, 2πr। और विड्थ कितना है, इस सिलेंडर के हाइट के बराबर, तो कितना हो गया, 2πrh। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, लेंथ हो गया 2πr और हाइट कितना हो गया, h। तो ये हो गया 2πrh, ये हो गया आपका कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि यही एरिया कर्व है और ये तो आपका कैसा एरिया है, प्लेन। सर्कल का जो ये है पूरा एरिया किसमें दिख रहा है आपको, प्लेन में। तो मैं क्या कर रहा हूं, टोटल एरिया ऐड कर दो, टोटल सरफेस एरिया अगर पता लगाना है तो ऐड कर दो, पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर कितना हो गया, 2πr स्क्वायर, और ये कितना हो गया, 2πr इंटू एच।
तो टू पाई यहाँ भी है, आर यहाँ पे दो बार है, यहाँ पे आर है, तो एक काम करते हैं टू पाई आर कॉमन ले लेते हैं, तो बचता है आर प्लस एच। तो ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया। ध्यान रखेंगे किसकी बात चल रही है, टोटल सरफेस एरिया की। ये आपका हो गया टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr r प्लस एच। अब बात कर लेते हैं केवल कर्व सरफेस एरिया की। तो कर्व सरफेस एरिया तो आपने देख ही लिया क्या होगा, 2πr इंटू एच। अब नाउ कम टू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम मैंने क्या बताया था, एरिया इंटू हाइट। तो अगर क्वाइन होता है, क्वाइन एक एक दो दो क्वाइन को ऐसे एकदम जोड़ते चले जाइए, जैसे मैं ऐसे समझाऊंगा आपको, मान लीजिए एक क्वाइन ये है, इसके ऊपर एक क्वाइन और रखिए, इसके ऊपर एक क्वाइन और, ऐसे क्वाइन रखते चले जाइए, ऐसे क्वाइन रखते चले जाइए। आपने ऐसा किया भी होगा, कॉइन रखा होगा, कॉइन के ऊपर कॉइन, कॉइन के ऊपर सिक्कों के ऊपर सिक्का रखते चले जाइए। तो एक कॉइन का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। कॉइन मतलब क्या, सर्कल, सर्कल का एरिया निकल आया, एक सर्कल का एरिया निकल आया, ऐसे ऐसे एक सर्कल, दो सर्कल, तीन चार पाँच छः, ऐसे कई सर्कल बने हुए, बस उसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम नहीं आ जाएगा, एरिया इंटू हाइट। याद करिए जो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने ग्लास वाला एग्जांपल दिया था, ग्लास में क्या किया, पानी डाला, तो पानी ने ग्लास के बेस एरिया का रूप ले लिया, और फिर क्या कर रहे, उसको हाइट में मल्टीप्लाई करते चले, जैसे जैसे पानी डालता चला गया हाइट बढ़ती चली गई, तो वो किस फॉर्म में हो गए, सिलेंड्रिकल फॉर्म में हो गए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, इज इट ओके। तो अगले वीडियो में हम सभी लोग इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी करेंगे, और अभी कौन बचा हुआ है आपका, हेमिस्फीयर बचा हुआ है, और क्या बचा हुआ है, फ्रस्टम बचा हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम में आपको टोटल क्या क्या पढ़ना चाहिए, स्क्वायर पढ़ना चाहिए, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, सेमी सर्कल, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, सिलेंडर है, ट्रेपेजियम के एरिया हो गया, पैरेललोग्राम, रोम्बस हो गया, और सिलेंडर आप पढ़ ही लिए हैं, स्फीयर पढ़ रहे हैं, अभी कोन बाकी है, फ्रस्टम है, ठीक है ना। तो उनके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे। और एक रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग इनके नोट्स जरूर बनाते चलिए, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं प्रिपेयर करेंगे तो फिर कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। ओके, थैंक यू सो मच।